हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं रोमन न्यूमरल्स। सभी लोगों के लिए कॉलम्स बनाना है। सबसे पहले इसमें हमें लिखना है हिंदू अरेबिक नोटेशन, सेकंड कॉलम में रोमन नोटेशन। हिंदू अरेबिक नोटेशन में वन आता है, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। वन को किस में, इसमें हमें लिखना है रोमन नंबर में। वन को रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे? ये वन, टू है तो टू लाइन्स, थ्री है तो थ्री, फोर को रोमन नंबर में फाइव, सिक्स, सेवन है। ये फाइव हुआ, ये सिक्स और ये सेवन, दो लाइन आ जाएंगी। और सिक्स में ये क्या होगा? फाइव और ये लाइन सिक्स, ये क्या है हमारा? फाइव। सेवन तक हुआ है, फिर इसके बाद एट। एट में क्या हो जाएगा? पहले फाइव, सिक्स, सेवन और ये एट। नाइन चेंज जाएगा था नाइन में, ये नाइन का साइन है रोमन नंबर में और ये टेन का। इसके बाद जैसे हमारे लिए आता है इलेवन, तो टेन के बाद कौन सा डिजिट आता है? इलेवन। तो टेन का सिंबल क्या है रोमन में? ये टेन, और फिर क्या है? इलेवन। तो ये रोमन नंबर का वन, तो टेन और वन क्या हुआ है? इलेवन। जैसे हमें लिखना है ट्वेल्व को रोमन नंबर में लिखना है, तो टेन सबसे पहले क्या लिख लेंगे? टेन का सिंबल बनाने की, ये टेन का हुआ, फिर टेन वन इलेवन और ये क्या हुआ? ट्वेल्व। रोमन नंबर में ऐसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और लिखते चले जाएंगे। ट्वेल्व के बाद क्या आया? थर्टीन। तो ये क्या हुआ हमारा? टेन, फिर ये इलेवन, ट्वेल्व और ये थर्टीन। सभी लोगों के पास बुक्स है, उसमें काफी रोमन नंबर दिए हैं। हिंदू अरेबिक से रोमन नंबर में चेंज करना आप लोग और देख सकते हैं। हमने आपको इतना भी समझा दिया है। और 40 का भी लिख लेते हैं हम। 40 को कैसे करेंगे? एक्सएल लाइन नहीं आना इसमें, एक्स एल 40 हुआ। और 50 का एल, इन दोनों की भी हमें 40 की भी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो 40 का भी हमें जरूरत पड़ेगी और 50 की भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो 40 को हम लिखेंगे एक्सएल और 50 को लिखना है हमारे लिए एल। और कुछ आपको बुक्स में दिए हैं वो आप कॉपी में नोट कर लेना सभी लोग। थैंक यू स्टूडेंट।